नमस्कार मित्रों, मेरे प्रयास को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। मित्रों, आज हम समझेंगे कि अगर कोई अनुसूचित जाति का भूमिधर है उत्तर प्रदेश में, तो वो भूमि को अगर अंतरित करना चाहता है, यानी विक्रय, दान, बंधक, पट्टा अगर करना चाहता है, तो उससे संबंधित क्या प्रावधान है, क्या उस पर प्रतिबंध है और कैसे वो अंतरित कर सकता है। तो मित्रों, इसके लिए इसका प्रावधान जो है वो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 98 में दिया गया है कि अनुसूचित जाति का जो भूमिधर है उसके अंतरण पर कुछ प्रतिबंध है कि वो कैसे अंतरित करेगा, किनको अंतरित करेगा, किन आधारों पर करेगा। तो इसके लिए अगर मित्रों हम धारा 58 देखते हैं तो ये प्रावधानित करती है कि अनुसूचित जाति का अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति के भिन्न व्यक्ति को अगर अंतरण कर रहा है, यानी विक्रय, दान, बंधक, पट्टा अगर भूमि का कर रहा है, एग्रीकल्चर लैंड, तो वो नहीं कर सकता बिना कलेक्टर की अनुमति के, यानी इसका परमिशन लिया जाता है अगर वो इसको विक्रय, दान, बंधक, पट्टा करना चाहता है। तो इसके कुछ आधार हैं कि वो किन आधारों पर जो है परमिशन मिलेगा, तो इसका भी प्रावधान दिया गया है कि धारा 98 की जो उपधारा का है उसके अनुसार कि अनुसूचित जाति के भूमिधर के पास धारा 108 की उपधारा 2 के खंड का या धारा 110 के खंड का जैसी भी स्थिति हो में विनिर्दिष्ट कोई जीवित उत्तराधिकारी ना हो, इनमें उत्तराधिकारी का वर्णन दिया गया है, अगर वो नहीं है तो, या अनुसूचित जाति का भूमिधर जिस जिले में अंतरण के लिए प्रस्तावित भूमि स्थित है उससे भिन्न किसी जिले या अन्य राज्य में किसी नौकरी या किसी व्यापार, व्यवसाय, व्रत या कारोबार के निमित्त बस गया है या सामान्य तौर पर रह रहा है, या कलेक्टर या का यह समाधान हो गया है कि विहित कारणों से भूमि के अंतरण की अनुज्ञा देना आवश्यक है। तो ये तो तीन कारण हो गए, इनमें से अगर कोई एक कारण है चूंकि अथवा लगा हुआ है तो कलेक्टर अनुज्ञा देगा विक्रय करने का, विक्रय, दान, बंधक, पट्टा का। और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली जो है उसमें इसका प्रोसीजर दिया गया कि किस तरीके से किस फॉर्म में जो है अनुज्ञा दी जाती है परमिशन, और उसमें भी कुछ और कारण है और आधार लिए जा सकते हैं कि इन आधारों पर अनुमति मिल सकती है। तो इसका देखेंगे कि इसका नियम 99 है, 99 का उपनियम 8 जो है में कुछ उपखंड है का खा गा घा करके, उनमें भी आधार दिए गए हैं कि धारा 98 की उपधारा 1 के खंड का या खंड खा की शर्तें पूर्ण हो, जो पहले हमने आपको बताया जो धारा 98 है, अथवा खातेदार या उसके परिवार का कोई सदस्य किसी घातक रोग से ग्रस्त है जिसके संबंध में संबंधित रोग के विशेषज्ञ किसी चिकित्सक या शल्य चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है और ऐसे रोग के उपचार के लिए जो व्यय है यानी जो खर्चों को पूरा करने के लिए अंतरण की अनुज्ञा आवश्यक है, यानी उसको विक्रय, दान, बंधक, पट्टे के अलावा उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है। आवेदक ऐसे प्रस्तावित अंतरण के प्रतिफल स्वरूप किसी अन्य भूमि का क्रय करने के लिए प्रस्तावित अंतरण हेतु संहिता की धारा 98 फर्स्ट के अधीन अनुज्ञा की मांग कर रहा है, यानी उसको अन्य जमीन खरीदनी है इस जमीन को बेचकर, और आवेदन में इस संबंध में दिए गए तथ्य आवेदक के पक्ष में विक्रय करने हेतु रजिस्ट्रीकृत करार की सत्यापित प्रति पर अवलंबित है, अथवा आवेदक के दिनांक पर आवेदक द्वारा धृत भूमि का क्षेत्रफल ऐसे अंतरण के पश्चात 1.26 हेक्टेयर से कम नहीं होगा, और यदि विक्रय द्वारा अंतरण के लिए अनुज्ञा की मांग की जा रही हो और भूमि के अंतरण के लिए प्रतिफल कलेक्टर द्वारा नियत क्षेत्रीय मूल्य के अनुसार अगणित धनराशि से कम नहीं हो, तो वह कारण अवलिखित करते हुए अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा, यानी अनुमति दे सकेगा।
अब इसमें से अगर कोई भी कारण है तो उसको परमिशन मिल सकता है विक्रय करने का उस व्यक्ति के पक्ष में जो अनुसूचित जाति का भूमिधर नहीं है, अन्यथा अगर कोई अनुसूचित जाति का भूमिधर अनुसूचित जाति के भूमिधर को ही अगर अंतरण कर रहा है तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अब अगर इस अंतरण के उल्लंघन में अगर बिना परमिशन के जैसा इसमें प्रतिबंधित है अगर कोई भूमि अंतरित की जाती है तो वो धारा 104 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत जो है राज्य में चली जाएगी, यानी वो अंतरण जो है वो शून्य होगा। तो मित्रों इस प्रकार आज हमने समझा कि अनुसूचित जाति के भूमिधर द्वारा अंतरण पर क्या प्रतिबंध है और किस प्रकार वो अंतरित भूमि को कर सकता है। वीडियो देखने के लिए जो आपने कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।